Okay, now we are starting with the another form of corporation, that is government companies. Okay, government companies. Third form. Statutory में भी कुछ problem रही, departmental में भी रही, तो इसका एक better version निकालने की कोशिश की government ने, और वो क्या है, government company है, और government company एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह फंक्शन करती है, गवर्नमेंट कंपनी. ओके, दीज आर द कंपनीज, कंपनी एस्टैब्लिश अंडर कंपनी एक्ट 2013. तो जैसे एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी काम करती है, तो ये भी उसी तरीके से, वो सेक्शन 213 में काम करती थी, ये इट इज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 2013. ओके, तो ये इस तरीके से काम करती है. अब इसमें इसको क्या बेनिफिट है, गवर्नमेंट कंपनी मींस वो कंपनी, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच गवर्नमेंट होल्ड्स not less than 51% of shareholding. Okay, कंपनी का 51% से कम गवर्नमेंट के पास रहेगा, गवर्नमेंट 51% से ज्यादा गवर्नमेंट के पास रहेगा. एंड गवर्नमेंट हेयर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट. ओके, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके बना रहे हो, मगर वो क्या है के इनका कंट्रोल किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है. ओके जी, तो यहाँ आपके पास ये तो गवर्नमेंट कंपनी होगी. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें जो आपने कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट जिस तरह से एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में काम करती है, वैसे ही एक गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रही है. सारी प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में एप्लीकेबल होती हैं, वो गवर्नमेंट कंपनी में भी एप्लीकेबल होती है. ओके, तो वह है इसके एस्पेक्ट्स. तो प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल इन दिस कंपनी टू. ओके, सेकेंडली दीज कंपनीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब पब्लिक सेक्टर और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फर्क है, वो कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जनरल पब्लिक के पास, वो होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और जिसके शेयर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास रहते हैं, वो होती है प्राइवेट लिमिटेड. और पब्लिक सेक्टर है कि जो गवर्नमेंट के सेक्टर की है कंपनी, तो वो डिफरेंट है. तो पब्लिक लिमिटेड की तरह और प्राइवेट लिमिटेड की तरह अपॉइंट होती है. ओके, और
थैंक यू। तो दी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स मैनेजर्स अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज, आईई प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर प्राइवेट लिमिटेड के लगते हैं डायरेक्टर्स और मैनेजर्स के अपॉइंटमेंट पे और उनकी रेमुनरेशन पे, वो प्राइवेट के हिसाब से या तो काम करेंगे या पब्लिक लिमिटेड के हिसाब से काम करेगी गवर्नमेंट कंपनी। तो डिपेंड करता है कि किस स्ट्रक्चर में आई है गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट में आई है या पब्लिक लिमिटेड स्ट्रक्चर में आई है, तो वो डिसाइड करेगी कि डायरेक्टर्स और मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट और रेमुनरेशन किस तरीके से की जाएगी। ओके, एंड गवर्नमेंट बायस शेयर्स ऑफ दिस कंपनी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट शेयर होल्डर नहीं होती है, गवर्नमेंट किसके नाम पे खरीदती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे शेयर्स खरीदती है। ओके, सो दीज आर नोन एज अनदर इम्पोर्टेंट एज दैट दीज आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज बिकॉज इसमें मेजर शेयर होल्डर कौन होता है, आपका गवर्नमेंट होती है। इट कैन बी सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल प्लस स्टेट और वेरियस स्टेट कंपनीज। ओके, अब आ जाते हैं हम फीचर्स ऑफ दिस कंपनी। ओके, तो ये तो आपके पास डेफिनेशन आ गई। Now moving over to the features of government companies. Fine. पहला फीचर क्या है? It has a separate legal entity. ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि दी ऑनर एंड दी कंपनी आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज एंड कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड बाय द थर्ड पार्टीज। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का एस्पेक्ट है। ओके, तो ये कंपनी के पास ऑटोनॉमी है किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करे, किसी के ऊपर केस फाइल करे या कोई इसके ऊपर केस फाइल करे। यहाँ गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एक कंपनी एक सेपरेट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करती है। दूसरा है इट इज इनकॉर्पोरेटेड कॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजन of Companies Act 2013. So, as per that, it is getting the freedom to work. जो भी provisions हैं, okay, separate legal act के, company law का जो भी system है, पूरा का पूरा company law के हिसाब से ये companies काम करती हैं। इन पे सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का लॉ अप्लाई होता है, उसमें जो प्रोविजंस हैं अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रेमुनरेशन की, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो वो सारी चीजें यहाँ गवर्नमेंट कंपनी के अंदर वर्क करती हैं। ओके, देन अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज
मैं मैं These companies are managed by a team of professionals appointed as per terms and conditions. Stated by the government company. Okay, तो सरकार नहीं बता रही है terms and conditions of appointment. Okay, और ये प्राइवेट प्रोफेशनल्स को हायर कर रही है. यहाँ पे कोई सरकार से एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं, IAS ऑफिसर्स नहीं मिल रहे हैं जो इसकी फंक्शनिंग को मैनेज करते हैं. देयर इज अ टीम ऑफ प्रोफेशनल इन वेरियस फील्ड्स, द एक्सपर्ट्स आर बीइंग हायर्ड. And those experts are running this particular organization. That is what the management is doing. Okay. Then another is these organizations are governed by memorandum of association. Okay, so memorandum of association and articles of association इसकी फंक्शनिंग को डिसाइड कर रहे हैं. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट एक्सप्लेन्स मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और ये इट एक्सप्लेन्स इंटरनल functioning of the organization. Okay, so जैसे एक joint stock company में आपको memorandum of association और articles of association बताना पड़ता है, वैसे यहाँ पे भी आपके पास memorandum of association और articles of association explained है. And these memorandum of association explains the main target of the organization. के मेन ऑब्जेक्टिव किस पर्पस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, क्या इसके अपॉइंटमेंट रूल्स होंगे, टर्मिनेशन रूल्स होंगे, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स होंगे, रेमुनरेशन होगा, या क्या कहते हैं और भी जो अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने पड़ेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मेंटेन करने हैं तो वो किस तरह से हैं, तो वो सारा का सारा इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक्सप्लेन्ड होगा. इंटरनल या आप कहते हो कि हमारे पास टेबल एफ है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेम वे इन गवर्नमेंट कंपनी यू कैन अडॉप्ट एनी टेबल टू डिसाइड द इंटरनल वर्किंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू फंक्शनिंग कैरी आउट करती है गवर्नमेंट कंपनी. ओके, अनदर इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स. ओके, तो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स हैं वो गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर रही है. ओके, तो एनुअल रिपोर्ट जो आपकी है वो जाती तो किसके पास है, आपके पार्लियामेंट में जाती है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू ऑडिट दैट रिपोर्ट एंड टेल वेयर दी
प्रॉब्लम्स आर और क्या लॉसेस हुए हैं या क्या कमियां चल रही हैं कंपनी के अंदर। वो CAG बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था हमारे कंट्री में कभी, अभी तो आजकल बड़ा शांत बैठा है CAG। तो ये CAG बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। दैट CAG इज डिफाइनिंग द ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉर गवर्नमेंट कंपनीज, ओके। तो उसके टर्म्स एंड उस तरीके के आपके दो गवर्नमेंट कंपनीज हैविंग इट्स ओन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, बट CAG ट्राइज टू फिक्स दैट दोज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स आर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स बींग फॉलोड बाई गवर्नमेंट कंपनीज सो दैट वी कैन ईजिली फाइंड आउट वेदर द कंपनीज आर वर्किंग इन अ प्रॉपर वे और नॉट, एंड इफ नॉट वट आर द प्रॉब्लम्स वेयर दे आर फेलिंग, एंड इफ दे आर वर्किंग इन गुड वे देन दैट रिपोर्ट कैन ऑल्सो बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट दैट कंपनीज आर वर्किंग इन अ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ओके। तो ये आपके पास है, और इसके पास एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि पैसा कहाँ से आएगा, ओके। ये भी फीचर है गवर्नमेंट कंपनी का, ओके। सो व्हेन वी से दैट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग लाइज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और सेंट्रल एंड स्टेट और वेरियस स्टेट्स, तो वो पैसा पहले तो कंट्रीब्यूट कौन करता है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी स्टार्ट होने के बाद दे हैव द ऑटोनॉमी टू रेज द फंड्स फ्रॉम द मार्केट इन देयर ओन वेज, एंड वट एवर द मनी इज बीइंग अर्नड बाय दीज गवर्नमेंट कंपनीज दे कीप विद देमसेल्व्स एंड दे री इन्वेस्ट इन टू द बिजनेस फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जस्ट ओनली दे प्रोवाइड डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द मनी इज बींग यूज बाय देमसेल्व्स। तो ये पैसा पहले इनिशियल पैसा तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद इनको फ्रीडम है ये कहीं से भी पैसा रेज कर सकते हैं एंड इन्वेस्ट इट इन टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, और इन टू द गवर्नमेंट कंपनी फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज द अनदर इम्पॉर्टेंट, ओके। अब आ जाते हैं हम इसके मेरिट्स एंड डी मेरिट्स। First is easy to form, okay, as these don't require a special act to get established, okay, और special act क्या है, टू थर्ड मेजोरिटी होगी गवर्नमेंट की तभी वो स्पेशल एक्ट पास होगा और उसके अंदर कंपनी बनेगी। अब वो ना हो तो कंपनी नहीं बन सकती है, ओके। तो उसमें चेंजेस लाने के लिए भी टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए। तो अभी क्या किया इन्होंने, दीज आर फॉर्म अंडर दी provisions of Companies Act 2013। तो आपको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं पास करना पड़ेगा, आप सिंपल और सिंपल क्या करोगे, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट को यूज करके इस कंपनी को establish कर लोगे, ओके। दूसरा क्या है यहाँ पे आपको बेनिफिट, ऑपरेशनल फ्रीडम है, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ओके। कैसे, फर्स्ट दीज कैन अपॉइंट प्रोफेशनल्स, ओके। सेकेंड दीज कैन टेक डिसीजंस
without much of government interference, okay, then these have financial freedom, i.e. can raise funds as per requirement from any source. तो ये आपके पास ऑपरेशनल फ्रीडम है कि किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है, किसको टर्मिनेट करना है, वो आपके रूल रेगुलेशन है, तो ये आपके पास है. ओके, एंड अनदर इज प्रिवेंट्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस. तो जो स्टैचुरी कंपनीज की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वहां पे जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी अथॉरिटी मिसयूज करते थे, यहाँ पे ऑफिशियल्स कैन नॉट मिसयूज देयर पोजीशन एज इट यूज टू happen in case of statutory companies. Okay, thus due to high accountability of officials in these companies, okay, the chances of corruption has been reduced to, ठीक है जी, जो करप्शन के चांसेस हैं उसके लेवल्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं. ओके, और इसकी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं है, दस दीज कंपनीज हेल्प इन मेकिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज अवेलेबल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस. तो ये आपके पास इसके मेरिट्स होंगे. अब आ जाए डीमेरिट्स. ओके, डीमेरिट्स क्या हैं इसके पास? वही प्रॉब्लम के यहाँ पे कहते हैं ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, फ्रीडम ओनली इन नेम. नाम का फ्रीडम है, फ्रीडम कहने कहने को है, क्योंकि सारी की सारी रिपोर्ट तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस की है वो किसमें जानी है? पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट स्क्रूटनी कर रहा है गवर्नमेंट कंपनी की हर एक्टिविटी को. और अगर गवर्नमेंट कंपनी लाइक BSNL जो जिसको पैसा चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, ना पिछली गवर्नमेंट ने उसको फ्रीडम दिया अपने एसेट्स को बेच के पैसा रेज करके मार्केट से और इन्वेस्ट कर सके, ना इस कंपनी ने. कहाँ 3 लाख करोड़ की कंपनी 1 लाख करोड़ की कंपनी रह गई. अगर 3 लाख करोड़ की कंपनी अपने आप को मोनेटाइज करती तो आज रिलायंस से भी बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा होता और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो जनरेट होता ही होता और पब्लिक को बहुत सस्ती फैसिलिटीज़,
क्वालिटेटिव फैसिलिटीज मिलती तो जो रिलायंस, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जो लोगों को फ्लीस कर रहे हैं, जनरल पब्लिक, इंडियन पब्लिक को फ्लीस कर रहे हैं इन द नेम ऑफ सर्विसेज, आपस में इनका इतना कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, ओके, एंड सडनली इन्होंने रीपेमेंट्स करनी है तो 50% प्राइसेस इंक्रीज कर दी। पहले जमीन पे प्राइसेस लगा के फिर एकदम से प्राइसेस 50% 60% इंक्रीज कर दी। BSNL would have been given the opportunity to grow like these companies, okay? तो वो गवर्नमेंट को एक तो रेवेन्यू जनरेट करता और एक वायबल अल्टरनेटिव क्रिएट करता इन फ्रंट ऑफ जनरल पब्लिक टू गिव कंपटीशन टू दीज कंपनीज एंड द क्वालिटी सर्विसेज वुड हैव बीन ऑलवेज अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ डाटा एंड द सर्विसेज ऑफ द मोबाइल मैनी पीपल हैव गॉन आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ यूजिंग मोबाइल सर्विसेज। तो ये सबसे है फ्रीडम इन नेम है, सरकार इंटरफेयर कर रही है, पार्लियामेंट इंटरफेयर कर रहा है इनटू द वर्किंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अनदर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ओके, यू कांट फिक्स तो ये क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, ओके, और ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होनी चाहिए बट ये पार्लियामेंट को डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट के इसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। तो पार्लियामेंट की तरफ, एक तरफ से पार्लियामेंट स्क्रूटनी करता है मगर दूसरी तरफ ये भी प्रॉब्लम है कि अब BSNL की जो हालत हुई, मतलब पार्लियामेंट डायरेक्टली पूरी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर पाया तभी इसको अकाउंटेबल फिक्स नहीं कि किसने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, किसके कारण ये प्रॉब्लम, किसके डिसीजंस गलत थे जिसके कारण ये BSNL जैसी कंपनीज को लॉसेस हुए, तो वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं है इन कंपनीज के ऊपर, ओके, और दूसरा है कि ये पार्लियामेंट को पूरी तरह से अकाउंटेबल नहीं है, मतलब पैसा तो सरकार ने लगा दिया मगर पार्लियामेंट में ये पूरी तरह से अकाउंटेबल नहीं है, पूरी तरह से आंसरेबल नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एक्शन इज नॉट बीइंग टेकन ऑन द ऑफिशियल्स एंड अकाउंटेबिलिटी इज नॉट बीइंग फिक्स्ड एज इट शुड हैव बीन फिक्स्ड टू फाइंड आउट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेज द कंपनी इज फेसिंग। एंड लास्ट इज डिफीट द मेन पर्पज ऑफ द कंपनी, ओके, डिफीट्स द मेन पर्पज। जो मेन एम था जिसके लिए कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कंपनीज को कंट्रोल किया गया था, क्रिएट किया गया था, वो सारा का सारा यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया कि गवर्नमेंट जब इसमें पूरा तरह से इन्वेस्ट कर रही है पैसा तो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, गवर्नमेंट इसकी मेजर कंट्रोलर होगी, बट दैट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इज नॉट गेटिंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एज टू हाउ दीज कंपनीज आर वर्किंग, as a result of which the purpose that this should have been under the direct control of the government and government would have been forcing how these companies are working and helping the economic growth happen in this country, that is not happening in these form of companies and that is the demerit with the government companies. So iske example kya hain, BHEL, Bharat Engine, BEML, Steel Authority of India Limited, तो ये किसके एग्जांपल्स हैं आपके गवर्नमेंट कंपनी के, सेल, BHEL, BEML। अब आप देखिए BHEL उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से L&T काम कर रही है, या BEML ने भी वैसा काम नहीं कर रही जैसे बजाज कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया उतना अच्छा नहीं काम कर रही है जितना अच्छा जिंदल, टाटा, SR स्टील,
और कंपनीज काम कर रही हैं, तो ये क्या है, क्योंकि डायरेक्टली पार्लियामेंट को अकाउंटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि ये अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच गई, ये कंपनीज ऑफिशियल्स अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच गए, उनको आपने फिक्स नहीं कर पाए, और जो मेन पर्पस था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस शुड बी इन दी हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो नहीं हुई है, तो दैट इज द प्रॉब्लम विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो दैट इज ऑल विद दी गवर्नमेंट कंपनी। तो हमने तीन सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर की तीन कंपनीज अभी पढ़ी हैं, एक तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पढ़ी हैं, स्टेचरी कॉरपोरेशंस पढ़ी हैं, और ये गवर्नमेंट कंपनीज पढ़ी हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे, व्हाट वाज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इनटू द इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, सो दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।